ये भी समझ आ रहा था, जो दूर के करने का सामने आ जाए पूरा अच्छा लगेगा। अगर उठकर यहाँ आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, जलसे का एक माहौल बन जाएगा। सामने कुर्सियां खाली अच्छी नहीं है, आ जाए आ जाए। सर विवाद जो लोग पीछे बैठे, हेलो भाई आप भी आ गए हैं, माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, बहुत जल्दी बात मानते हैं। और हुई तारीफ, रहमत का महीना आ गया। सारे लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कादरी शहर हजरत हाफिज अल-काज़ी जुम्मन साहब मुंबई रेजूर पर अपनी सरपरस्ती पर पा रहे हैं, और वहीं पर दूसरी जानब मुहिब्बे गिरामी उस्ताद हफ्ताज हजरत हाफिज अल-काज़ी मतलूम रजा साहब जिला खादिम तदरीस जामिया रजविया मदर उल्लू अपनी सदारत के साथ मुकम्मल सदारत के साथ बैठे हुए हैं। तमाम तर उलमाए किराम और शोराए साहब बैठे हुए हैं। मैं इनकी तवज्जो चाहता हूँ, अवश्य करता हूँ कि बारहवीं तारीख रहमत का महीना आ गया। तो महीना आ गया, आप तो बोले, आपको बोलना भी आ जाएगा। बारहवीं तारीख रहमत का महीना आ गया, आमना की गोद में शाहे मदीना आ गया, और गैस में घुलदार जो लहराए रसूलुल्लाह के ऐसा लगता था कि सावन का महीना। गैस में घुलदार जो लहराए रसूलुल्लाह, गैस में घुलदार जो लहराए रसूलुल्लाह के ऐसा लगता था कि सावन का महीना आ गया। बहुत कम चीज होती है जहाँ नकीबों को इनाम मिलता है, आप माशाल्लाह बहुत इनाम मिल रहा है। गैस हुए घूंगा जो लहराए रसूल अल्लाह की, ऐसा लगता था कि सावन का महीना आ गया, और चूम कर तलवारबाजी का कम करी कहने लगी, आमना के लाल के कदमों में जीना आ गया, आमना के लाल के कदमों में जीना आ गया, आमना के लाल के कदमों में जीना आ गया। और इस शायर ने कहा था कि हर इब्तिदा से पहले हर इम्तहा के बाद, उम्मती होने का सबूत दे, नबी का गुलाम होने का सबूत दे, मोहब्बत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे। आप हजरत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो पढ़ने वाला आएगा ना, उसको भी पढ़ने का उसका अंदाज अलग हो जाएगा, और उसको सुनने सुनाने में मजा आता है। तो आप हजरत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहेंगे तो फिर मुझे भी मजा आएगा, आप अल्लाह की मजा आएगा। इंशाअल्लाह अजीज नबी की महफिल में बैठे हैं और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाब हो जाएगा। मैं शेर हाजिर करता हूँ कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल है लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। आइए हजरात फिर से मैं गुजारिश करता हूँ नाते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए। देखिए नाते नबी क्या है, नाक पढ़ना हजरत हसान बिन साबित रजी अल्लाह तआला की सुन्नत है। ये नबी अलैहि सलाम के बहुत खास बहुत अजीज सहाबी थे। नबी अलैहि सलाम से नाते नबी सुना करते थे, नाते नबी को सुनाना हजरत हसान बिन साबित की सुन्नत है, और नाते नबी को सुनना मेरे आका की सुन्नत है। हम तो खुश नसीब है कि हम अपने नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सरकार